दोस्तों अभी जो आपने फुटेज देखा उसमें ना RRR चल रहा था, ना KGF 2 चल रहा था, ना एवेंजर इन्फिनिटी वार चल रहा था, ना एवेंजर एंडगेम चल रहा था, तो फिर लोग इतना पागल होकर क्यों चिल्ला रहे थे? तो दोस्तों ये है जवान की नशा, जवान की पागलपन, जो कि लोगों को पागल बनाने में मजबूर कर दे रहा है और लोगों को चिल्लाने में मजबूर कर दे रहा है। दोस्तों शाहरुख खान एक पुराने वाइन की तरह है, जो कि जितना पुराना होते होते जाएंगे उतना उनका नशा चढ़ता चढ़ता जाएगा। दोस्तों वैसा ही हो रहा है, शाहरुख खान का कोई भी फिल्म 4 साल से नहीं आया है, इसीलिए उनका नशा अब अलग ही लेवल पे बढ़ चुका है और उस नशा को और भी बढ़ा रहा है जवान का ये अनाउंसमेंट टीजर। जी हाँ दोस्तों, जब लोग एक था विलियन रिटर्न्स देखने के लिए सिनेमाघर गए थे उस वक्त जवान की ये अनाउंसमेंट टीजर को दिखाया गया और लोग एक था विलियंस क्या देखेंगे, उनको तो ये जवान की अनाउंसमेंट टीजर में ही मजा आ गया और पैसा वसूल हो गया। तो जवान की नशा दोस्तों अलग ही लेवल पे है। 2023 में शाहरुख खान का 3 मूवी आएगा, एक है पठान, दूसरा है जवान, तीसरा है डंकी, और तीनों का क्रेज दोस्तों अलग लेवल का है। दोस्तों आप इस चीज से समझ सकते हैं, ये जवान मूवी का टीजर या ट्रेलर नहीं था, ये जवान मूवी का अनाउंसमेंट वीडियो था जिसमें कि सिर्फ बताया गया है जवान मूवी 1 आ रहा है, कोई टीजर या ट्रेलर नहीं था। फिर भी दोस्तों इसको सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है और लोग इस अनाउंसमेंट वीडियो को भी देख के खुश हो रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान का नशा अब बढ़ चुका है, उनको अब हर हाल में शाहरुख खान को सिनेमा में देखना ही देखना है और इसीलिए इतना क्रेज देखने को मिल रहा है। दोस्तों शाहरुख खान की स्टारडम में कुछ अलग ही बात है, बाकी सारे सुपरस्टार की केस में जब कोई भी सुपरस्टार 5-6 साल से कोई भी सिनेमा नहीं करता है तब उसका कनेक्शन थोड़ा सा लोगों के बीच कट जाता है, लेकिन शाहरुख खान के केस में उल्टा है, क्योंकि शाहरुख खान 4-5 साल से कोई भी सिनेमा नहीं किए हैं इसीलिए उनका क्रेज अब 2 गुना 3 गुना हो गया है, उनका क्रेज अब एक अलग ही लेवल पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, शाहरुख खान एक पुराने वाइन की तरह है, जो कि जितना पुराना होगा उसका नशा और भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों आपको इस बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।